नमस्कार दोस्तों, तमिलनाडु के बल्लेबाज नारायण जगदीशन ने लिस्ट ए क्रिकेट में ऐतिहासिक पारी खेली है। 26 साल के जगदीशन ने विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 277 रन ठोक दिए हैं। ये वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर है। उन्होंने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है। रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल में भारत से खेलते हुए श्रीलंका के खिलाफ 264 रन की पारी खेली थी। लिस्ट ए क्रिकेट में उनसे पहले सरे के बल्लेबाज एलिस्टर ब्राउन ने 2002 में 268 रन की पारी खेली थी। जगदीशन ने इन दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जगदीशन ने 141 गेंदों की पारी में 196.45 के स्ट्राइक रेट से 277 रन बनाए। उन्होंने 141 गेंद में 25 चौके और 15 छक्के जमाए हैं। उन्होंने पहले विकेट के लिए साई सुदर्शन के साथ मिलकर 414 रन की पार्टनरशिप भी की है। बेंगलुरु में सोमवार को जगदीशन की पारी की बदौलत तमिलनाडु की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 506 रन का स्कोर खड़ा किया है। वनडे मुकाबले में पहली बार 500 से ज़्यादा रन बने हैं। इससे पहले इंग्लैंड ने नीदरलैंड के खिलाफ 498 रन बनाए थे। विजय हजारे ट्रॉफी के इस सीजन में जगदीशन के बल्ले से खूब रन बन रहे हैं। वे पिछली 5 पारियों में लगातार 5 शतक जमा चुके हैं। इस बल्लेबाज ने श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लिस्ट ए क्रिकेट में 414 रन की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। लिस्ट ए क्रिकेट में इससे पहले वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलते हुए क्रिस गेल और मैरलोन सैमुअल्स ने 372 रन की पार्टनरशिप की थी। सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है इन्होंने। विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 506 रन बनाने के बाद अरुणाचल प्रदेश को 71 रन पर ऑल आउट कर दिया। इस तरह तमिलनाडु ने 435 रन के अंतर से जीत दर्ज की है। लिस्ट ए क्रिकेट में रन के अंतर से अब तक की सबसे बड़ी जीत है। तमिलनाडु ने समरसेट का रिकॉर्ड तोड़ा। इंग्लिश काउंटी टीम समरसेट ने डेवॉन टीम को 346 रन के अंतर से हराया था। जगदीशन इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 7 मैच खेल चुके हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट अपडेट्स के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।